अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खालिद अज़ीज़ आज एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम दरिया सिंध के किनारे पे मौजूद हैं, अली पार्क की जगह का नाम है, और ये जो जगह है ये जो है मियांवाली से बनू रोड पे वाक़िया है और मंदा ख्याल एक जगह है, उसके साथ ये पार्क नज़दीक है। तो आज रश काश कम है क्योंकि कोरोना की वजह से जो है पाबंदियाँ हैं। तो व्यूअर्स, अब हम पहुँचे हैं कमर मशानी की साइड पर, ये दरिया सिंध के साथ कमर मशानी के जो नीचे की साइड जनूब की साइड पे यहाँ दरिया सिंध बहता है, दरिया सिंध किनारे पे मौजूद हैं। और अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ तोरी और करेले का फील्ड। तो ये जो आप सामने ज़रद रंग के फूल देख रहे हैं बेलों पे लगे हुए, ये तोरी की बेलें हैं और ये नीम दायरा शक्ल के पैप जो कि ज़मीन में गाड़े हुए हैं और इनके ऊपर तारें लपेटी हुई हैं, उनके ऊपर इनकी बेलें चढ़ा दी गई हैं। और तकरीबन 10-15 दिन के बाद ये जो बेलें हैं ये मुकम्मल पैप को कवर कर लेंगी ऊपर से भी। अभी तो आप देख रहे हैं साइडों पे ये जो फैल चुकी हैं और जो ऊपर की जगह है अभी तक खाली है। तो 10 से 15 दिन में इंशाल्लाह ताला ये जो हैं बेलें मुकम्मल से कवर कर लेती हैं और बहुत ही खूबसूरत सी सुरंग बनती है इससे। तो माशाल्लाह इनके साथ फल भी लगा हुआ है, फूल भी लगे हुए हैं काफ़ी सारे, ये देखें फल आप देख सकते हैं क्या तोरियां लगी हुई हैं। बहुत ही ज़रखेज़ ज़मीन है दरिया के किनारे पे, लेकिन जहाँ पे कटाव शुरू है ज़मीन का ये अच्छी बात नहीं है। और ये नाजरीन आप देख रहे हैं करेले की बेलें, ये करेले की सुरंग है, आप देख रहे हैं साइडों पे करेले ये लगे हुए और दरमियान जो ऊपर छत की साइड है वो अभी तक खाली है। कुछ दिनों बाद ये घनी हो जाएंगी, बड़ी हो जाएंगी तो ये मुकम्मल कवर हो जाते हैं और बिल्कुल इतना घना जो है साया बन जाता है इसके ऊपर। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे करेले लगे हुए हैं इसके साथ भी। काफ़ी सारे रकबे पे ये करेले लगे हुए हैं, तकरीबन ये कोई 8-10 या 12 कनाल ज़मीन होगी जहाँ पे ये फील्ड लगा हुआ है। और जदीद तरीके का ये एक फील्ड है, ये एक और सुरंग जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये आप देख सकते हैं करेले जो लटक रहे हैं। ये दरिया सिंध के किनारे पे हम आ गए हैं और सामने ये दरिया सिंध बह रहा है। अभी शाम का टाइम है, तकरीबन सूरज गुरूब होने से कुछ थोड़ा सा टाइम बाकी है, इसलिए जो है रोशनी कम हो रही है तो वीडियो भी मज़े की साफ नहीं आ रही। गर्मी काफ़ी थी लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह बादल आ गए हैं, कुछ मौसम थोड़ा गुजारे का हो गया है। तो ये कटाव वाली साइड में आपको दिखा रहा हूँ कि ये पानी ठाठे मार रहा है जिस तरह समंदर का पानी ठाठे मारता है, और ये ही ठाठे जो है इसके साइडों के किनारे जो है उनको कटाव कर रही हैं। ये आप देख सकते हैं तकरीबन कोई 8-9 महीने पहले हम यहाँ पर आए थे, तो उस टाइम और अभी के वक्त में तकरीबन कोई 20 या 25 मीटर ज़मीन को काट लिया इस दरिया ने, और बिल्कुल ये जो करेले का फील्ड है उससे तकरीबन ये 50 या 40 मीटर के फासले पे दरिया पहुंच गया है। पहले इसका फासला इस फील्ड से तकरीबन कोई 70-80 मीटर दूर था। ये आप देख रहे हैं कि किनारे किस तरीके से अभी इसके बन गए, सीधी दीवार की तरह किनारे बने हुए, इसके साथ की जो ज़मीन है वो दरिया के अंदर गिर रही है। ये साथ में कमरा है यहाँ पे एक, ये कमरे के बिल्कुल दरिया नज़दीक पहुँच चुका है और हो सकता है कि 8-9 महीने के बाद ये कमरे तक भी पहुँच जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।